नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इजी है। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम एनी टाइम, आप जब भी कंफर्टेबल हो। और इसमें केवल 5 मिनट ही लगता है और आपके सारे ऑर्गन्स को इसका बेनिफिट होता है। इसमें मैं अपनी पांचों उंगलियों में ही हमारे पूरे राज छुपे हुए हैं। इन्हीं पांचों उंगलियों को कैसे रगड़ना है, कैसे मसाज करनी है, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं अंगूठा। अंगूठे में कोई भी, किसी को भी सांस लेने में कोई कष्ट हो रहा हो तो, या लंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, तो अंगूठे की मसाज हम इस तरह करेंगे। एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे को पकड़ेंगे, इसको प्रॉपर मसाज करेंगे, इसको खींच के भी मसाज देंगे। दोनों हाथ के अंगूठों को इक्वली करना है आपको, रोटेट करना है 5 टाइम्स, उसके बाद स्ट्रेच करना है 5 टाइम्स। इससे लंग से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, जैसे ब्रेथलेसनेस है, अस्थमा है, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल रही है, या फिर सांस रुक रुक के आ रही है, प्रॉपर सीओपीडी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है सांस लेने का, कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी कष्ट है, बेसिकली लंग्स से रिलेटेड जो भी डिजीज है आपको, उन सभी में, जैसे ब्रोंकाइटिस है, इन सभी में ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। ये आप डेली करें। इसके साथ में सेकंड जो आता है, हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर हमारी जीआई से रिलेटेड है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस है, गैस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हिचकियां बहुत आ रही हैं, खट्टी डकारें बहुत आ रही हैं, या सिंपल डकार भी काफी आती है लोगों को, और एसिडिटी बन रही है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, पेट में दर्द, कोई भी एब्डोमिनल पेन है, या किसी भी टाइप का जलन हो रही है, खाने के बाद भी कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है, कुछ को एम्प्टी स्टमक भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हेरिडिटी भी ये होता है कि एसिडिटी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती है। तो मल्टीपल चीजें हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड हैं। तो हम इंडेक्स फिंगर की मसाज भी हमें रोटेट करके करनी है 5 टाइम्स, इसको रोटेट करें और उसके बाद इसको 5 टाइम्स स्ट्रेच करें। जैसे हम उंगलियां चटकाते हैं उसी तरह स्ट्रेच करनी है 5 टाइम्स। इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, ये दोनों हाथों की करनी है। रोटेट करना है, ये आप ऑयल से भी कर सकते हैं। आप इसमें कोई, यदि बहुत स्वेटिंग होती है तो आप पाउडर लगा सकते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बेनिफिट मल्टीपल होंगे। थर्ड आता है हमारा मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर जो है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। किसी को भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि बीपी हाई रहता है, लो रहता है, या फिर ब्लॉकेज है, या लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट की कोई भी डिजीज है, तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। इसमें भी हमें प्रोसेस सेम करना है, 5 टाइम्स हमें स्ट्रॉन्गली इसको मसाज करना है, रोटेट करना है और स्ट्रेच करना है, 5 टाइम्स स्ट्रेच करना है इसको। और सेम चीज हमें दूसरे हाथ में भी करनी है, रेगुलर हमको ये रोज करना है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। इसके बाद हम रिंग फिंगर में, रिंग फिंगर ये हमारे मेंटल डिजीज से रिलेटेड है। जैसे रिंग सेरेमनी होता है, ये डायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड भी है और हमारे मन को भी शांत रखता है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, साइकोसोमेटिक डिजीजेज डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं रहता। और हर इंसान मन की शांति तलाश रहा है। ये इसके लिए अपने विचारों की बहुत फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, करना कुछ चाहता है, होता कुछ और है, सोचता कुछ और है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव थॉट्स की रहती है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन, इंसोमनिया, सो मेनी मेंटल डिजीज, उन सभी से रिलेटेड हमको बस रिंग फिंगर को रोटेट करना है। प्रोसेस वही है,
पांचों उंगलियों को एक्टिवेशन देना है, वन बाय वन सबका अलग अलग बेनिफिट है, क्योंकि हर फिंगर अलग ऑर्गन से रिलेटेड है। इससे ब्रेन को स्टिमुलेशन जाता है, डोपामाइन सिक्रेट होता है, अब बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारा मन खिल उठता है, मूड स्विंग जिसको आते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। एंगर में कोई है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है, और मन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है मनोदशा को ये स्वस्थ रखता है। लास्ट है हमारी लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर जैसे कि उसका इंडिकेशन ही है, जब हम यू का इशारा करते हैं, इट मीन्स कि ये किडनी से रिलेटेड है। किसी को बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हो, या फिर किडनी इश्यूज हो, किडनी में स्टोन है, फैटनाइन लेवल बढ़ा हुआ है, कोई भी रीनल डिजीज है या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसको वो काफी हद तक ठीक करता है। तो इसमें भी प्रोसेस वही करना है कि 5 टाइम्स हमको स्ट्रॉन्गली मसाज देनी है, और इसको जैसे उंगलियां चटकाते हैं उस तरीके इसको स्ट्रेच करना है, तो ये बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाती है। किडनी के साथ में जैसे किसी को हेडेक हो रहा हो, तो कई बार इंस्टेंट रिलीफ लेना हो हेडेक के लिए, तो ये आप लिटिल फिंगर को रोटेट करिए, स्ट्रेच करिए और बेनिफिट देखिए, हेडेक बहुत इजीली गायब हो जाता है। आज के पांचों उंगलियों को, 10 उंगलियों को हम कैसे एक्टिव करें, इनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, इन सभी को जाने और समझे, और इसके आप लोग सभी इसका लाभ उठाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसी के साथ मैं अगले वीडियो के लेके अवश्य आऊँगी कुछ नई चीज़ के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।